फरुखाबाद से दलित युवती की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। डॉक्टर दंपत्ति के गले की फांस बनी युवती की मौत। भीम आर्मी के प्रदेश सचिव सहित कई दलित संगठन पहुंचे, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। मृतक महिला डॉक्टर एचपी श्रीवास्तव के यहां खाना बनाने का काम करती थी। डॉक्टर के तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम में कल शव फांसी पर लटका मिला था। परिजनों ने डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और उनके पति हेमंत श्रीवास्तव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर हेमंत और अंजलि के विरुद्ध प्रताड़ित करने और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के परिजनों ने शव को एचपी श्रीवास्तव के अस्पताल के सामने रख काटा हंगामा। जांच में दोषियों के विरुद्ध हो कार्यवाही, हत्या मिले तो मुकदमा में हत्या की धारा को बढ़ाया जाए। कोतवाली फतेहगढ़ के नगलादीना डॉक्टर एचपी श्रीवास्तव अस्पताल का मामला है। अनिकेत जी, क्या मामला की संबंध में आज फरका आ रहा है? देखिए, यहाँ पर कल सुबह एक बड़ी हमारे समाज की लड़की है, वो सामने ही हॉस्पिटल है, श्रीवास्तव हॉस्पिटल, वो पिछले कई सालों से काम कर रही थी। अब कल अचानक से उसकी लाश जो है उसके उस हॉस्पिटल के बाथरूम में लटकी हुई। परिवार वाले वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि उसकी जो बेटी है वो वहाँ पर बंदे से लटकी हुई। तो आज भीमार में समाज पार्टी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं बहन को न्याय दिलाने के लिए। प्रशासन से बातचीत चल रही है, पीएम रिपोर्ट आ गई है, उसमें हैंगिंग दिखाई जा रही है, लेकिन पूरा जो रीज़न है, कोई भी व्यक्ति है अगर सुसाइड करता है तो उसका रीज़न होता है। अगर कोई लड़की को सुसाइड करना होगा तो वो किसी हॉस्पिटल में थोड़ी आगे करेगी, वो अपने घर में करेगी। अगर उसका पर्सनल रीज़न होगा तो वो क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग तो यही, न्याय मिले उसको। न्याय क्या मांग क्या हो सकती है? वो जिंदा तो नहीं कर सकता। घटना आप क्या मान रहे हैं? जी, घटना को आप संदिग्ध मान रहे हैं? घटना को देखिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। देखिए, दो तरीके की हत्या होती है, एक आदमी खुद मार के टांगता है और एक इतना हरेसमेंट कर देता है मेंटली इंसान का कि वो सुसाइड करने पर मजबूर क्यों हुई। वही रीज़न जानने के लिए मैंने यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करी, उसी रीज़न को पता लगा रहे हैं यहाँ के अधिकारी। घटना स्पॉट पर आप गए थे, क्या लगा? जी, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद क्या, अगर देखिए दो चीज़ें इसमें, अगर वहाँ पर पीएम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो हैंगिंग दिखाई गई कि वो खुद सुसाइड करी है, ठीक है। फिर अगर वहाँ पर बचना वो चाहती तो नीचे बहुत सारी चीज़ें थी जो बच सकती थी, जो पाइप लगा हुआ है नीचे उसके हाथ पर, जो पाइप है वो उससे उलझ सकती थी, जान बच सकती थी। लेकिन अभी जो वहाँ पर है, जो पीएम रिपोर्ट है वो कह रही थी उसने हैंगिंग करी है, तो अगर लड़की की नीयत थी सुसाइड ही करना तो उसका रीज़न, ये दूसरा पार्ट है कि उसका रीज़न क्या है, तो वो सुसाइड क्यों कर रही है और हॉस्पिटल में क्यों कर रही है, जहाँ पर कुछ काम कर रही है। पुलिस प्रशासन से भी आपकी बात हुई, क्या बात हुई? प्रशासन के लोग देखिए सहयोग कर रहे हैं और हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कोई हम कदम नहीं उठा रहे हैं। जब हमें लगेगा कि प्रशासन टाला मटोली कर रहा है तो देखिए ये लड़ाई है और ये बहुत दूर तक जाएगी और बहुत लंबी चलेगी। क्या मांग क्या है? जितने भी दोषी, मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले, उसका जो दोषी हो उसको गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है? अखबार लिखा 306 लगाई गई है, 80 एक्ट लगाया गया है और अभी जांच चल रही है, और जब उसमें दोषी पाया जाएगा तो 302 के तहत उनको कार्रवाई करके अरेस्ट करा जाएगा। क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, प्रशासन तो ये कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और अभी जो प्रशासन के लोग हैं वो सहयोग भी हमारा कर रहे हैं, ठीक है, और हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। हम हमारे पूरे कार्यकर्ताओं से ये अपील कर रहे हैं, समाज से भी अपील कर रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। कोई जिंदा नहीं कर सकते, हम उनसे पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग कर रहे, लेकिन जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हाँ, दलित समाज की बहन बेटी को इतना सस्ता शिकार ना समझे लोग, वरना भीम आर्मी या समाज पार्टी के लोग बहुत जल्द एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे अगर न्याय नहीं मिला हमारी बहन को। अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमने बोला ना, पुलिस प्रशासन के कदम आने के बाद अगला कदम उठाएंगे। जब हमें लगेगा कि हमें न्याय नहीं मिला, हमारी बहन को न्याय नहीं मिला, तो फिर ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और बहुत दूर तक जाएगी, और इसमें जो लोग शामिल हैं इसमें उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। यहाँ पर हमारे प्रदेश के संगठन सचिव आलोक यादव भी हैं, यहीं पर रहते हैं, अगर इनको भी बोला जाएगा तो तुरंत इसका एरिया का चक्का जाम करने के लिए। हमारे जिलाध्यक्ष नितिन जी हैं, यहाँ पर अतुल जी हैं, यहाँ पर कि हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मेन पदाधिकारी हैं और ये लोग यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी आश्वासन इनसे मिला है प्रशासन की तरफ से कि वो न्याय दिला करके रहेंगे, तो हम भी वेट कर रहे हैं। आश्वासन में क्या मिला गिरफ्तारी को लेकर? गिरफ्तारी नहीं, अभी तो रीज़न पता किया जाएगा ना, जांच चलेगी। अभी वो जो व्यक्ति है, जो डॉक्टर है, उन दोनों को बुलाया जाएगा ना, जब पत्नी जो है डॉक्टर दोनों, उनको बुलाया जाएगा। मैन मुद्दा क्या था? पुलिस ने तो मुकदमा कल लिख लिया था, पीएम भी हो गया था।
मैंने आपको बता दिया ना, न्याय मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वो तो विवेचना का विषय, पुलिस कर रही है अपनी विवेचना का विषय। वो विवेचना करने के बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे।